साथियों नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और इसमें है व्हील के बारे में, इन्वेंशन ऑफ व्हील। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज व्हील, व्हील क्या है। व्हील एक गोल आकृति का बना हुआ किसी भी मटेरियल का एक आर्टिकल होता है, ये गोल होता है, इसलिए इसे हम व्हील कहते हैं। अब ये गोल ही क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज जो राउंड नहीं है उसको रोड के ऊपर चलाएंगे, किसी सरफेस के ऊपर चलाएंगे, तो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगा और हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और वो चीज़ जितने आराम से नहीं चलेगी। इसीलिए यह व्हील को राउंड बनाया गया, क्योंकि ये इसका जो फ्रिक्शन पॉइंट है या इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो किसी भी एरिया के और व्हील के बीच में कम होता है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस बहुत कम आता है, तो इसलिए ये इसमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और ये आसानी से चलता है, इसको व्हील कहते हैं। अब इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी पहले पाश्चात्य टाइम की बात है ये, कि लोग वनों में लकड़ी काटते थे और लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, जो उसका तना होता है बहुत मोटा मोटा, उसको खींच कर लाते थे, और खींच के लाने में उनको बहुत बल लगाना पड़ता था, उसमें बहुत सारे लोग लगते तब खींचते थे। काम करते करते उनके माइंड में आया कि अगर हम इसको खींचने के बजाय तने को लुढ़का दें तो क्या होगा, क्या इससे कम बल लगाना पड़ेगा या आसानी से पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काटे और उनके मोटे मोटे तनों को ऊपर से लुढ़का दिया, और फिर आगे उस पर फोर्स लगा के उसको खिसकाते हुए, धक्के मारते हुए ले गए, जिससे कि फोल्ड होता हुआ चला जाए। तो उन्होंने देखा कि खींचने की अपेक्षा इसमें तो काफ़ी बल कम लगाना पड़ रहा है। उनके माइंड में आया कि अगर किसी चीज़ को खींचने के बजाय उसको घुमाया जाए, उसको धकेला जाए, तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो मोटे मोटे तने थे उनमें से काट के उन्होंने राउंड टाइप के पूरे पूरे गोल यानी चौकोर व्हील बनाया और बीच में उसके होल कर दिया, और पहले एक व्हील के ऊपर एक फट्टा लगा के उसके ऊपर सामान रख के ले जाना स्टार्ट किया, तो एक दूसरा उसको पकड़ता था, तो सामान ले जाने में तो सुविधा थी बट उसका बैलेंस नहीं बनता था। फिर कुछ दिन बाद माइंड में आया कि अगर इसमें एक की जगह हम दो व्हील लगाएं और फिर इसके ऊपर एक फट्टा लगाएं तो ले जाने में हमें आसानी रहेगी। तो फिर इसी का एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके ऊपर दो व्हील लगा के उसमें और बीच में होल करके दोनों को व्हीलों को उसमें फंसा के होलों को फंसा के एक्सेल बना दिया, एक्सेल टाइप का बना दिया, और उसके ऊपर सामान रख दिया। फिर उसको खींचा तो पता लगा कि उसमें ले जाने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो व्हील का अगर देखा जाए तो इसका जो है खोज जो है इसकी बहुत पहले हुई, मेसोपोटामिया में 3500 BC हुई थी। वो भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जो चीज़ें देखी गई उनके आधार पर ये निकाला गया आइडिया कि हाँ ये इतना पुराना होगा। इसके बाद जो व्हील पूरा पहले सॉलिड एक पूरा राउंड होता था व्हील, वो धीरे धीरे करके बीच में खोखला कर दिया और उसमें बीच में होल कर दिया, और इसके बाद उसमें स्प्रॉकेट लगाए। पहले स्प्रॉकेट जो है काफ़ी
हैवी थे और कम लगाए, हैवी हैवी लगाए लेकिन, और उस व्हील को चलाने की कोशिश की तो ये पहले से बेहतर था, इसका वेट भी कम था और इसमें सामान भी इससे आसानी से ले जाया जा सकता था। जो दो व्हील लगा के, जिसके ऊपर फटर लगा के आजकल उसको भी रेलवे स्टेशन पर यूज़ करते हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह सामान को रख के ले जाते हैं। साथियों, अब ये व्हील, इसमें और इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ और फिर उसमें जो व्हील है, जो उसकी विड्थ है वो और कम की गई और उस विड्थ के ऊपर एक लोहे की रिम चढ़ा दी गई पूरे पे, जिसको घोड़ा गाड़ी में यूज़ करते हैं, और फिर रिम को हटाने के बाद लोहे वाले को हटा के रबड़ की चढ़ा दी गई। इसका मेन पर्पस था कि व्हील का साइज पतला होने से और उसके ऊपर रिम के ऊपर एक रबड़ चढ़ाने से रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया और स्पीड जो है पहले से ज़्यादा ही ज़्यादा आ रही थी और उसमें फोर्स भी कम लगाना पड़ रहा था। तो पहले जो व्हील बना बैलगाड़ी में जो यूज हुए वो काफ़ी हैवी थे, इसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट किया, वो घोड़ा गाड़ी में यूज हुए, वो पतले थे और उनके ऊपर एक रबर की पूरे के ऊपर स्लीप टाइप की और चढ़ा दी, इससे कि और फ्रिक्शन कम हो, आवाज़ भी कम हो। इसके बाद व्हील्स में धीरे धीरे सुधार आता गया और फिर गाड़ियों के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, इनसे कार और बाइक के व्हील से पहले साइकिल के लिए व्हील बनाया गया और इस साइकिल में के लिए एक रिम बनाया, रिम में पतली पतली स्प्रॉकेट्स लगाई और बीच में एक्सल लगाया। इस तरह से जब देखा कि एक साइकिल का व्हील बहुत अच्छी तरह आसानी से काम करता है, बढ़िया घूमता है, उसके बाद ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के व्हील बनाए और वो व्हील बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से दौड़ती हैं तो व्हील का जो है बहुत ही अहम रोल है और पहले से लेके आज तक व्हील का स्ट्रक्चर वही काम कर रहा है, इसके डिजाइंस में फ़र्क आ गया है, मतलब इसका प्रिंसिपल वही है कि राउंड होता है और घूमता है, लेकिन बहुत सारे वैसे चेंजेज आ गए हैं। व्हील एंड इट्स स्ट्रक्चर, अगर अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हील का स्ट्रक्चर है जो पहले था, उसमें पूरा एक रिम बना होता था, बीच में स्प्रॉकेट डाल दिए जाते थे, सेंटर में होल और फिर उसमें होल में एक शाफ्ट डाल दी जाती थी जिस पे आसानी से व्हील रोटेट करता रहे। इसके बाद जो कार वगैरह आई उनमें एक्सल लगाए और एक्सल में व्हील अटैच किए ताकि इतनी इस हाई स्पीड पर भी वो आराम से चल सकें। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि ट्यूब टायर का एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले साइकिल में किया, ट्यूब और टायर डाले, उसमें हवा भरी और उसको चलाया तो ये पहले से भी बहुत आसान हो गया और इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई। इसके बाद गाड़ियों में भी यही किया, उसका रिम बनाया, उसके ट्यूब टायर बनाए, हवा भरी और उसको गाड़ी में चलाया तो गाड़ी बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगी। फिर इसके बाद ट्यूबलेस टायर बनाए और उन ट्यूबलेस टायर से फिर गाड़ी को चलाया तो एक से एक नई तरह के चेंजेज करके व्हील का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता गया। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान भी गाड़ियों की ज़रूरत होती है तो व्हील्स उसमें भी काम करते हैं। इस तरह से व्हील के स्ट्रक्चर में चेंज होते होते काफ़ी बदलाव आ गया। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, इसमें हमें ये ऑटोमोबाइल है
ऑटोमोबाइल जो सब्जेक्ट है इसमें, ऑटोमोबाइल ही इसको क्यों कहते हैं, मैं आपको ये और बताना चाहूँगा। तो साथियों, ऑटो मोबाइल यानी ऑटो मीन्स सेल्फ, मोबाइल मीन्स मूवेबल, ऑटो मीन्स सेल्फ, मोबाइल मीन्स मूवेबल। जो सेल्फ मूवेबल हो यानी जो खुद स्वयं से चल सके उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। यानी ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी साथियों, ऑटोमोबाइल में आपको ये पता होना चाहिए ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, ये जो केमिकल एनर्जी है जो पेट्रोल डीजल जाता है, कंबस्शन होता है और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमोबाइल। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये बताया है, आपको व्हील के बारे में पता चला होगा, व्हील क्या होता है, इन्वेंशन ऑफ व्हील क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि ऑटोमोबाइल क्या चीज़ है। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए एक से एक अच्छे लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।